बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स में अगर हम देखते हैं, इसमें टेक्निकल स्किल्स आती हैं, ह्यूमन स्किल्स आती हैं, कंसेप्चुअल आती हैं, डिसीजन मेकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। रिपीट आफ्टर मी, टेक्निकल, ह्यूमन, कंसेप्चुअल, डिसीजन मेकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए, जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा टॉप में होती हैं, और जो आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कम होती हैं, टॉप में है। ह्यूमन स्किल्स, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, ठीक है, ये आपके पास सब में इक्वल होती हैं। लेकिन अगर मैं टॉप मैनेजर से कंसेप्चुअल स्किल्स देखूँ तो सबसे ज़्यादा है, फिर मिडिल में कम है, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में कम है। आपने कंसेप्चुअल में ओवरऑल एज अ होल देखना होता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है, उसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक वो आपके पास कोई मशीन को ऑपरेट करने का है, कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जो कि वो बेहतर जानता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस काम को कर रहा है, ठीक है। लेकिन टॉप मैनेजमेंट्स जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं, एंड सो ऑन। अगर मैं टेक्निकल स्किल्स देखूँ तो लाइक इसमें आपके पास ऐसी स्किल्स जो लाइक आपको चाहिए होते हैं कि आपने कोई स्पेशलाइज टास्क करने होते हैं, इसमें कम्बिनेशन होता है एजुकेशन का एंड एक्सपीरियंस का, इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट टाइम मैनेजर्स के लिए। अगर मैं इसके एग्जांपल्स देती हूँ तो लाइक किसी भी प्रोग्रामर की एबिलिटी है कि वो कोडिंग कर सके, वो कोई एनिमेटर ड्रॉ कर सके, लाइक एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह या एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हुए, या अकाउंटेंट्स एबिलिटी कि वो एक ऑडिट रिपोर्ट बना सके कंपनी की। टेक्निकल हमने इसको भी किया है, इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास कोई स्पेशलाइज स्किल्स होती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बजटिंग की, और आइदर इट कैन बी अ म्यूजिशियन एज वेल बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल स्किल। ह्यूमन स्किल्स में आपके पास आता है कि आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप और इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें आपके पास आता है कि आपने लीड करना है काम को और अपनी जो ग्रुप मेंबर्स हैं या वर्क ग्रुप्स हैं, ताकि आप जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे इंक्रीज हो सके। कंसेप्चुअल में बेसिकली आपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है एज अ होल, नॉट एज अ लाइक पार्ट्स में आप उसको देख रहे हैं, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट देख रहे हैं। देयर यू विल सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इसमें मैनेजर जो होते हैं कंसेप्चुअल स्किल अंडरस्टैंड करते हैं वेरियस फंक्शंस को, और वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं वन अनदर को। जैसे ही कोई चेंज आती है किसी भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अफेक्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर किसी खुदा न खासा आईटी डिपार्टमेंट में या आपके पास किसी कंपनी के ऐसे पार्ट में कोई या प्रोडक्शन एरिया में आग लग जाती है, तो फिर ओवरऑल पूरी कंपनी ही अफेक्ट होती है उससे, ठीक है। कंसेप्चुअल में आपने एज अ होल देखना होता है, पर्टिकुलर बिजनेस के किसी जगह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आपने कोई मसला आ जाता है तो आप उसको डायग्नोज करते हैं और एनालाइज करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को। डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कि आपने डिसीजन लेना है प्रॉपरली, टाइमली लेना है, डिले नहीं करना। इसमें आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपने इस्टेब्लिश करना है अपना जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्टिव के साथ, जो भी आपके पास सोशल जो पॉलिटिकल फोर्सेस आती हैं आपने उसको देखना है और उसको ब्लॉक करना है फ्रॉम अचीविंग दैट। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए क्या है कि आपने टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज़ करना है बिकॉज टाइम इज़ मनी। लाइक पेपर वर्क अगर आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आप ईमेल्स भेज सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप एक लेटर लिखें, देन आप यू बॉक्स ऑफिस जाएं वहाँ पे आप करें, तो अब ईमेल्स का है कि आपने टाइम को रिड्यूस किया। टेलीफोन कॉल्स के बारे में है, उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि हर जो मैनेजर है वो लाइक फ्रीक्वेंटली उसको कॉल्स आती रहती हैं, तो वो बेसिकली इट इज़ रेडी टू द मैनेजमेंट, तो वो दैट इज़ वाई डिस्टर्बेंस होती है। मीटिंग्स में क्या है, क्लियर एजेंडा होता है, स्टार्ट एंड एंड ऑन टाइम, फोकस होनी चाहिए कि आपके पास कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो मैथ को भी मैसेज है वो डिलीवर आउट करना है, ठीक है।